हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन है, जैसे कि मेरे पास है सैमसंग का M11, तो सैमसंग के फ़ोन में ज़्यादातर क्या दिखाता है कि हमारा फ़ोन में जो कैमरा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। जैसे कि मैंने पिछला भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने सैमसंग M11 के ऊपर बनाया था, उसमें कैमरे में कुछ एरर आ रहा था, तो उसे मैंने जब सॉल्व करके दिखाया तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस वीडियो में प्यार दिया और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आए। तो उसी को लेकर के मैं एक वीडियो बना रहा हूँ अभी, जिसमें मैं बताऊँगा कि अगर आपके पास कोई भी सैमसंग डिवाइस है तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा कि कभी भी आपके अगर डिवाइस में अगर ऐसी प्रॉब्लम आए, कैमरे में अगर एरर आए, तो उस प्रॉब्लम को आप आसानी से बिल्कुल फिक्स कर सकते हैं, आपको परेशान में नहीं होना पड़ेगा। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताऊँगा कि किस तरीके से आप ठीक कर सकते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके से आपके मन में अगर कोई भी सवाल है आपको फ़ोन को लेकर, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप कमेंट करते हैं मैं अगले एक वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें, अगर आपके साथ भी फ़ोन को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ पर मैं आपको बिना देरी करते हुए बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपने फ़ोन की कैमरा को ठीक कर सकते हैं अगर ये कैमरा में आपका प्रॉब्लम हो। तो जैसे कि यहाँ पे हम आएंगे अपने कैमरे में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा कैमरा अभी सही चल रहा था। तो लेकिन पहले क्या होता है कि सैमसंग M11 में ये जो मोर का ऑप्शन है, आपकी फ़ोन जब अपडेट हो गया था, अपडेट होने के बाद आपको मिला था यहाँ पे मोर का ऑप्शन, तो जिसे हम जैसे ही ओपन कर देते तो ये ओपन नहीं हो रहा था, यहाँ पर हमारा एरर आ रहा था। तो जो एरर आ रहा है क्यों आ रहा है, क्योंकि सबसे पहली बात क्या होता है कि हमारा फ़ोन जब अपडेट होता है, अपडेट होने के बाद सारा चीज़ चेंज हो जाता है, तो हम सबसे पहले गलती क्या करते हैं कि चेंज करने के बाद हमें कुछ सेटिंग करना पड़ता है, हम उसे नहीं करते हैं। उसके बाद क्या है कि आपका कैमरा प्रॉब्लम कभी भी आए तो आपको एक चीज़ हमेशा चेक करना चाहिए कि आप अपने सेटिंग में आए, आने के बाद आपको अपने सॉफ्टवेयर अपडेट में आना है, आपको ये चीज़ देखना है कि आपका फ़ोन अगर कोई अपडेट तो नहीं मांग रहा है। अगर बाय द वे आपका फ़ोन कोई भी अपडेट मांग रहा है तो आपको तुरंत अपना फ़ोन अपडेट कर देना चाहिए, क्योंकि फ़ोन आप अगर अपडेट करते रहेंगे तो आपका फ़ोन बिल्कुल सही चलेगा। तो आप मान लो कि आपने अपना फ़ोन अपडेट कर दिया, अब आपके पास कोई ऐसा भी ऐसा ऐप्स है जो ऐप्स आपका नहीं चलेगा, उस ऐप्स में कोई भी एरर आएगा, तो उसके लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है कि आपने फिर सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको करना है कि ऐप सेटिंग में आना है, यहाँ पे आने के बाद आपको देखना है कि आखिर वो कौन सी ऐप है जो हमारा काम नहीं कर रहा है। तो जैसे कि हम आएंगे यहाँ पे, एक मिनट के लिए मान लो यूट्यूब है, यूट्यूब जैसे कि आप कभी कभी ओपन करते हैं, आपके पास अगर छोटा सा फ़ोन है जिसमें रैम वगैरह बिल्कुल कम है, तो उसमें अगर आप यूट्यूब ओपन कर रहे हो, आपका यूट्यूब अगर ओपन नहीं हो रहा, तो आपको सिंपली सी एक चीज़ करना है, सबसे अच्छी चीज़ कि आपको आना है अपना मेमोरी में। मेमोरी में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो एवरेज रैम है कितना है, उसके बाद फ्रिक्वेंसी कितना है, लो है इतना है, तो मैक्सिमम रैम यूसेज कितना हुआ, ये सारी चीज़ आपको देखना है। इससे क्या होता है कि आपके फ़ोन में जो कितना मतलब फ़ोन मेमोरी है नहीं है, ये चीज़ आप देख लेंगे। तो उसके बावजूद आपको देखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको आना है अपने स्ट्रॉन्ग में। स्ट्रॉन्ग में आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्लियर डाटा, क्लियर चेज, तो आपको क्या करना है कि इन दोनों में से यहाँ पे क्लियर कर देना, और यहाँ से भी आपको कर देना क्लियर। तो ये क्लियर करने के बाद आपका क्या होगा कि आपका जो यूट्यूब में जितने भी वो जो डाटा यूज हुआ था आपके फ़ोन में, वो सारा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आप जब दोबारा जब उसे ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद बिल्कुल नया हो जाएगा। इसी तरीके से आपका अगर ये कैमरा में मान लो प्रॉब्लम, तो आपको फिर आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको आना है अपने कैमरे में। कैमरे में आने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है कि यहाँ पे आपको देखना है कि सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है चेंज सेटिंग, तो यहाँ पे अलाउ परमिशन कर देना है आपको। उसी तरीके से आपको नीचे ऑप्शन मिलता है नोटिफिकेशन और परमिशन, तो आपको परमिशन में सारी चीज़ें आपको अलाउ रखना है। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने लोकेशन को मैंने डेनी कर रखा है, तो इसी तरीके से आप अलाउ कर देंगे। करने के बाद आपको फिर आना है अपने स्ट्रॉन्ग में, यहाँ पे से आपको एक बार कर देना है क्लियर, ये सब आप क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद जब दोबारा आप अपना कैमरा अगर ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, आपका सारा चीज़ चेंज हो जाएगा, आपको ये चीज़ ध्यान देखना है। तो जब ये चेंज हो जाएगा आपको, तो आपको इसको बिल्कुल सही कर देना है, जैसे आपका मर्जी इस तरीके से आप इसको सेटिंग कर लीजिए। करने के बाद आपका जो कैमरा है बिल्कुल सही चलेगा, जहाँ पे आपका कैमरा में प्रॉब्लम आ रहा था वो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर ये आपको एरर का ऑप्शन शो हो रहा था तो बिल्कुल आपका बंद हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे इस तरीके से कुछ सेटिंग है जो आपको करना चाहिए। और एक सेटिंग और है, क्या है कि अगर ये आपका मान लो कैमरा में अगर एरर आ रहा है, आपने ये सारी चीज़ कर दिया फिर भी आपका कैमरा सही नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है कि अपने कैमरे में आना। कैमरे में आने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है रीसेट सेटिंग, तो यहाँ पर जैसे ही आपने रीसेट सेटिंग में क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपके कैमरे में जो भी मतलब डाटा वगैरह जो था सारा डिलीट हो जाएगा। लेकिन आपका अगर कोई भी अगर फोटो अगर सेव का हुआ है, जैसे कि गैलरी में आपका कोई भी फोटो हुआ है, कैमरे का अगर कैमरे को आप अगर रीसेट करेंगे तो आपका फोटो वगैरह कुछ भी डिलीट होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपका फोटो एक भी वहाँ से डिलीट नहीं होगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं,
उसके बाद एक चीज़ और क्या करना है कि सारी चीज़ करने के बाद आपको करना क्या है कि साइड से अपने फ़ोन को प्रेस करना है पावर ऑफ बटन को, और यहाँ से आपको अपना फ़ोन करना है रिस्टार्ट। रिस्टार्ट कर दीजिए या फिर रिबूट कर दीजिए अपने फ़ोन को, पावर ऑफ नहीं करना है आपको, रिस्टार्ट या रिबूट करना है। उसके बाद जब आप ऑन करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है कैमरा को लग रही है वो सारा सॉल्व हो जाएगा, तो बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।